हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग बॉय बीस्ट। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सेफ हो। तो आप लोगों के लिए मैं ऑन पब्लिक डिमांड मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो ऑफ KTM RC 200, जो कि न्यूली लॉन्च हुई है। और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा वीडियो देख के। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल बटन दबा देना, जिससे आपको सारे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आ जाएंगे। जो मेरे बाइक रिव्यू करता हूँ, वॉक अराउंड वीडियो लेता हूँ उन सब के, और जो मैं राइड करता रहता हूँ यूजुअली, उसके भी आपको वीडियोस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टायर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको MRF के रेव्स टायर मिलते हैं, और यहाँ पे जो आगे का सेक्शन है वो 110/70 सेक्शन का टायर मिलेगा, और जो रेयर टायर है यहाँ पे आपको 150/60 का रेयर टायर मिलेगा। सेम MRF रेव टायर है यहाँ पे भी। उसके बाद अगर उसकी सस्पेंशन की बात किया जाए, तो यहाँ पर हमें WP के FX 43mm के USD फोक्स मिलते हैं, जो कि गाड़ी को बहुत ही स्टेडी भी बनाते हैं वैल यू आर इन कॉर्नर्स। उसके बाद आते हैं हम इसके जो मेजर चेंजेस है, जो गाड़ी का जो मेन फेयरिंग है, तो टोटली अगर आप लोग देखोगे तो टोटली पूरा फेयरिंग चेंज किया गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट RC 200। और यहाँ पे जो कलर स्कीम है, इसका कलर स्कीम भी बहुत अच्छा है, सिल्वर और ऑरेंज, जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो अभी हम लोग आपको जूम करके थोड़ा हेडलाइट दिखा देता हूँ इसका। और यहाँ पर देखा है हमको KTM की ब्रांडिंग भी मिलेगी हमें। फिर उसके बाद में अगर हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे DRLs है, जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये रहे साइड DRLs, जो कि बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। उसके बाद जब गाड़ी अगर इग्निशन देंगे हम, इग्निशन देने के बाद में यहाँ के जो मेन लाइट है वो आपको बाद में चालू करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम अभी आते हैं इसके मिरर्स पे, जो कि मिरर भी इंटीग्रेटेड मिरर्स दिए हुए हैं, जिसका विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद हमको एक न्यू वाइज़र मिलता है, जो कि बबल वाइज़र है और बहुत ही बड़ा है, जिससे अगर आप फास्ट जाना चाहते हो तो आप हेड टेक इन करके भी आप आगे जा सकते हो, बहुत स्पीड में निकल सकते हो आप। उसके बाद जो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जैसा बहुत सारे लोगों को पता है, लास्ट RC में आपको छोटा डिजिटल मीटर मिलता था, बट जो हमारी KTM 390 थी उसमें हमको पूरा डिजिटल मीटर मिलता था। तो सेम डिजिटल मीटर यहाँ पे भी हमको मिलता है, आपको ऑन करके दिखाता हूँ। चलिए आपको डिजिटल मीटर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, ABS, इंजन, यहाँ पे टैकोमीटर, ओडोमीटर, सारे आपको यहाँ पे डिजिटल मिलेंगे। यहाँ पे रही स्विच, पास लाइट की स्विच यहाँ पर है, साइड इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा आपको, दरअसल इंजन किल स्विच, हॉर्न, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। और आपको ये मेजर आप देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको WP सस्पेंशन की ब्रांडिंग मिलेगी दोनों तरफ। और ये रहा कूलेंट। उसके बाद हम आते हैं इसके टैंक पे। अगर इसका टैंक देखा जाए तो बहुत मैसिव टैंक दिया गया है इस बार, 13.7 लीटर का टैंक है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी जब भी आप हाईवे पर रहोगे। और ये रही यहाँ पे, अगर आपको GoPro पे उतना दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पर रहा इसका फ़ैन, जो आपके इंजन को कूल रखेगा कनेक्टेड विथ कूलेंट। उसके बाद हम इसके इंजन पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपको इंजन में अब दोनों BHP में प्लस न्यूटन मीटर में आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने मिला है एज़ कम्पेयर टू लास्ट RC। इसके अगर इंजन की बात किया जाए तो इट कम्स विथ लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOHC इंजन, जो इंजन का पावर प्रोड्यूस करता है वो 25.4 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू लास्ट RC। जहाँ पर लास्ट RC में अगर आप देखोगे वहाँ पर आपको 25 PS ऑफ पावर जनरेट होता था, और न्यूटन मीटर की बात किया जाए तो यहाँ पे 19.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी, विच इज़ अगेन 0.5% गेन फ्रॉम लास्ट RC। उसके बाद हम आते हैं इसके एग्जॉस्ट पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड कैटालिटिक कन्वर्टर डाला हुआ है, क्योंकि गाड़ी जो है ये BS6 गाड़ी है, इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर वैली एग्जॉस्ट दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साउंड करता है। उसके आपको साउंड भी मैं थोड़े टाइम में आगे की वीडियो के आगे मैं आपको सुना देता हूँ। ये रहा आपका ऑयल रिजर्वायर, और ये भी जो आपको जो रेयर सस्पेंशन दिख रहा है, ये भी आपको WP FX का सस्पेंशन मिलेगा यहाँ पर आपको। उसके बाद हम लोग इसके अगर फ्रेम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको टेलीस फ्रेम मिलता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर
ये जो चेसी के तरफ यहाँ पे दो आपको बोल्ट मिलते हैं जिससे आपका इतना पार्ट अलग हो जाता है। अगर इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू कैन रिप्लेस दिस और यू कैन रिप्लेस दिस ऑल्सो। बाइक के ओवरऑल ग्राफिक की बात की जाए तो इट इज़ वेरी स्टनिंग। ये जो आपको RC 200 का जो लोगो स्टिकर दिख रहा है बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। और यहाँ पे हीट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया है, जाके आपका डायरेक्टली हीट इस तरफ आके आपके पैर के साइड से निकल जाएगा, आपको इतना हीट फील नहीं होगा। और ओवरऑल देखने में गाड़ी बहुत ही बल्की लगती है। अगर मैं R15 की बात करूँ तो R15 के सामने ये गाड़ी बड़ी लगेगी हम लोगों को। उसके बाद हम उसके सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे KTM ने बहुत ही अच्छा जॉब किया है, जहाँ पे हमें स्प्लिट सीट मिला हुआ है, जहाँ पे जो अगर आप देखोगे पहले राइडर सीट तो बहुत अच्छा था और पिलियन सीट अगर देखते थे तो ऐसा लगता था कि वो सिंगल सीट गाड़ी है, बट उस पर भी सीट था बट देट वॉज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव। बट यहाँ पर राइडर सीट प्लस आपको पिलियन सीट बहुत अच्छी मिलती है और इसका कुशनिंग भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको आगे की तरफ RC का लोगो भी मिलेगा सीट पर जो कि बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे हमें न्यू ग्रैब रिल्स मिलेगा पिलियन के लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके ब्रेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एज़ कम्पेयर टू लास्ट आरसी में आपको हमको फ्रंट ब्रेक जो था वो 300 mm का था, बट हमें यहाँ पे 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है विच इज़ बाइबर ब्रेक। और उसके बाद अगर रेयर ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ पे हमें दोनों गाड़ी में सेम मिलता है जो है 230 mm का ब्रेक मिलता है, और जो कि आपको व्हील स्पिन करके भी दिखा देता हूँ। सेम यहाँ पे भी हमको बाइबर का सिंगल पिस्टन वाला ब्रेक मिलेगा विद ड्यूअल चैनल ABS। और यहाँ पे अगर रिम की बात करूँ तो रिम भी लास्ट आरसी से रिम भी यहाँ पे थोड़ा 5 kg का कुछ वेट कट ऑफ हुआ है, जहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिम की स्टेम्स है ये फुली 5 stems वाला रिम आया है इस बार। ये रहा सारी गाड़ जो आप लोग निकाल भी सकते हो, और जैसे अभी जो RC चलाने वाले राइडर्स हैं एनी विचेज उनको सारी गाड़ की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो इट्स एन ऑप्शनल, आप रख सकते हो आप निकाल भी सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इस बार जो स्विंग आर्म है ये है ब्लैक कलर में, ये रहा हमारा साइड स्टैंड। और इस बाइक की ओवरऑल सीट हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 824 mm की सीट हाइट मिलेगी, और यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 158 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, ताकि आपको थोड़ा पॉट होल्स में थोड़ा सा आपको संभाल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ रेडी टू गो बाइक। और ये रही टेल्ट आईडी, यहाँ पे टेल्ट आईडी भी थोड़ी बाहर के तरफ निकली हुई है। और हम लोग अगर इसका टेल लाइट देखा जाए तो टेल लाइट बहुत ही खूबसूरत है, आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी LED लाइट टेल लाइट है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी दिख रही है। और उसके बाद आपको जो साइड इंडिकेटर भी मिलते हैं KTM में, आपको पूरे LED इंडिकेटर्स मिलेंगे। आप लोगों को एक मेन चीज़ इसमें ये बतानी है, जो इस बार आप लोग इसके जो फोक देख रहे हो, फोक का जो इधर टी होता है, ये टी का डिज़ाइन भी बहुत चेंज किया गया है, जहाँ पे आपको लॉक भी ऊपर के तरफ दिया हुआ है, अदरवाइज़ जो लॉक था लास्ट इसमें आगे के तरफ था। बट ये जो है एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक, जो बड़ी स्पोर्ट्स बाइक आती है सेम वही टाइप का हैंडलिंग दिया हुआ है यहाँ पर, और इससे डेफिनेटली आपका हैंडलिंग सुधरेगा। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर GoPro में दिखा रहा है यहाँ पर मेन, तो यहाँ पर आपको एक KTM का ब्रांडिंग भी मिलेगा TFT डिस्प्ले के नीचे, जो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, जो वैसे इंटीग्रेट किया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले को वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे अगर हम मोनो शॉकअप देखोगे पीछे रेयर साइड का मोनो शॉकअप, तो यहाँ पर आपको एक गार्ड भी मिलता है मड गार्ड, जो कि छोटा है प्रीटी है बट आपके शॉकअप को बचा लेगा, अगर ज़्यादा मड होगा तो उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर मड गार्ड मिलता है जो कि बहुत ही स्टेडी है, इवन अगर जो रेनी टाइम पर अगर वाटर वगैरह होगा तो ऊपर नहीं आएगा, आपको छींटे वगैरह नहीं लगेंगे। और जैसे मैं ABS की बात कर रहा था, यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे सुपर मोटो ABS मिलेगा, जिससे आपकी गाड़ी कितने भी स्पीड में हो बहुत फास्ट रुक जाएगी, और जहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ना ही आपको गाड़ी की स्लिपिंग की प्रॉब्लम होगी कि जाके आपकी गाड़ी स्किड हो। तो यहाँ पर भी KTM ने लोगों के राइडिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक सुपर मोटो ABS मोड भी ऐड किया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का साउंड सुनते हैं, जिसका अंडरबेली एग्जॉस्ट है उसका क्या साउंड है वो भी देख लेते हैं। तो कि आप लोग सुन सकते हैं बहुत ही प्यारी बेसी साउंड है, हम थोड़ा रेव करके देखते हैं। साउंड एक नंबर साउंड आ रहा है, अभी मैं विद इन द स्टोर हूँ इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर सकता, बट आप लोग समझ सकते हो कि ये साउंड के
सामने अगर आप जब हाईवे पे आप जब रेव करोगे तो क्या प्यारी साउंड आएगी। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं आगे का हेडलाइट दिखा देता हूँ, जो आपको बोल रहा था आगे जो LED हेडलाइट है, तो आप लोग देख ही सकते हैं क्या प्यारी हेडलाइट है। तो इसका विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा होगा। ये जो DRLs आर लुकिंग वेरी गुड, थोड़ा बल्की लुक दे रहे हैं, जो आपको आगे का जो फेयरिंग देख रहे हो बहुत ज़्यादा बल्की लुक दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पोर्ट्स प्रॉपर एक बड़ी स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। तो यू कैन सी आगे जो LED लाइट्स है बहुत बहुत अच्छा उसका विजिबिलिटी है। इसका अपर एंड डिपर भी मार के चेक कर लेते हैं। तो ये रही इसकी अपर लाइट, जिससे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी गाड़ी की जो भी LED लाइट है पूरी पूरी ऑन हो चुकी है, और बहुत अच्छा विजिबिलिटी दे रहा है जो आपको कैमरे में भी दिख रहा है। तो आपने देख ही लिया क्या लाइट की विजिबिलिटी है, तो मतलब आपको रात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आफ्टर मार्केट और ऑक्सिलरी लाइट भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छी LED लाइट दिया हुआ है। तो अभी हम लोग आते टाइम पे जब इसका ऑन रोड रिव्यू करेंगे तब आप लोगों को और डिटेल में बता दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वॉक अराउंड वीडियो पसंद आया रहेगा। इफ़ यस टू डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बिग बॉय बीज साइनिंग ऑफ।